गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक. नाउ टाइम फॉर चैप्टर टू. दिस इज चैप्टर टू, डेज एंड ग्रेट मैन ऑफ इंडिया. डेज एंड ग्रेट मैन के बारे में बताया गया है, जो कि इंडिया के डेज ग्रेट एंड ग्रेट मैन के बारे में बताया गया है. राइट द नेम्स ऑफ ग्रेट मैन अगेंस्ट द डेज विद द यूज ऑफ हेल्प बॉक्स गिवन ब्लो. उनकी यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ पर ग्रेट्स डेज नेम दिए हुए हैं. आपको उन ग्रेट मैन के नेम लिखने की, किस पर वो डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं. तो देखिए, डेज लिखे हुए हैं, ग्रेट्स मैन हमने लिखे हैं. बुद्ध पूर्णिमा किसके लिए मनाई जाती है? महात्मा बुद्धा की. जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्णा. महावीर जयंती लॉर्ड महावीर. कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक. क्रिसमस डे जेसस क्रिस्ट. रामनवमी लॉर्ड राम. यानी कि इनको, इन ये जो ग्रेट मैंस हैं, इनके लिए ये डेज मनाए जाते हैं. कि लॉर्ड राम के लिए की याद में कौन सा डेज मनाया जाता है? रामनवमी. जेसस क्रिस्ट के लिए क्रिसमस डे. गुरु नानक में कार्तिक पूर्णिमा. लॉर्ड महावीर के लिए महावीर जयंती मनाई जाती है. लॉर्ड कृष्णा के लिए जन्माष्टमी मनाई जाती है. महात्मा बुद्धा के लिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है. देखिए नेक्स्ट, मैच द नेम्स ऑफ पर्सन्स विद देयर बर्थ प्लेस पर्सन्स. यहाँ पर आपको पर्सन्स एंड बर्थ प्लेस दिए हुए हैं, आपको उनसे मैच करना है. गुरु नानक का बर्थ, इनकी जो पर्सन्स हैं गुरु नानक, और जो प्लेस है वो क्या है? नानक साहिब. सो इन्हें क्या ना साहिब. सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? कोलकाता. महात्मा गांधी का जो बर्थ प्लेस है वो पोरबंदर है. महात्मा बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है. मोहम्मद साहिब का बर्थ प्लेस मक्का है. इंदिरा गांधी का बर्थ प्लेस इलाहाबाद है. नेक्स्ट, राइट द बर्थडेज ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट मैन. यहाँ पर ग्रेट मैन का नेम दिया हुआ है, आपको उनके बर्थ डेट यहाँ पर लिखनी है. तो महात्मा गांधी का बर्थ कब हुआ था? 2 अक्टूबर को. पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थ कब हुआ था? 14 नवंबर को. सुभाष चंद्र बोस का बर्थ कब हुआ था? 23 जनवरी को. भीमराव अंबेडकर का बर्थ कब हुआ था? 14 अप्रैल को. तो ये बर्थडे ही आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं. यहाँ पर ये नेम्स दिए हैं ग्रेट्समैन के, मैच दिए हुए हैं, एंड यहाँ पर बर्थडे दिए हुए हैं करने के लिए. तो ये तीनों ABC तीनों एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है, एंड आपको ये एक्सरसाइज हैंड टू हैंड लर्न भी करनी है. सो योर चैप्टर इज कंप्लीट.